भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोष अध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता भारी संख्या में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि रामपुर यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द सरकार अधिग्रहण करे। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाए। आज अभी अभी हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी भी आए थे, उनके पास भी विषय रखा था। रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। घोटालों और बेईमानी और जमीन हड़पने को लेकर रामपुर से लेकर संसद तक और रामपुर से लेकर विधानसभा और पूरे प्रदेश भर में विवादित हो चुकी है। तो आज हमने भारतीय जनता पार्टी के और हमारे कार्यकर्ताओं ने, चूंकि रामपुर के लोगों की, गरीबों की, मजलूमों की ये मांग है कि हमें न्याय मिले, तो उसके चलते हमने आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इस यूनिवर्सिटी का सरकार अधिग्रहण करे, चूंकि विवादित हो चुकी है और सरकार की छवि धूमिल हो रही है। और इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए मोहम्मद आजम खान साहब, जो हमारे उस तत्कालीन सपा सरकार में मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने सारे नियम कायदे कानून ताक पे रखते हुए इस यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था। इस यूनिवर्सिटी के निर्माण में उन्होंने, चाहे खनन की जरूरत पड़ी तो खनन करके नदियां खोद दी और उसका पठान किया, गरीबों की जमीनें छीनने की जरूरत पड़ी तो कोई कोताही नहीं बरसी, सरकारी जमीनों की जरूरत पड़ी छीनने की तो कोई कोताही नहीं पड़ी। उस वक्त के प्रशासन ने और उस वक्त की सरकार ने भी मोहम्मद आजम खान साहब का सहयोग दिया। ये दर्द बढ़ते बढ़ते जब नासूर बना तो अब यहाँ पे भंडा फूटा है और फूट के संसद में भी चर्चा हो रही है, विधानसभा में भी चर्चा हो रही है। रामपुर के गरीब मजलूम आवाम आंदोलित हो गए और ये आवाज कर रहे हैं कि हमें न्याय दो, हमारी जमीनें वापस करो। और इस लुटेरे और बेईमान सांसद आजम खां को गिरफ्तार करो। हमने आज ज्ञापन दिया है मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी का सरकार अधिग्रहण करे और उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से घोषित करे और इसे सरकारी यूनिवर्सिटी घोषित करे, ताकि प्रदेश के लोगों को इस यूनिवर्सिटी का लाभ मिल सके। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में कोई पैसा, काना पैसा आजम खान साहब का और उनके परिवार का नहीं लगा है, पूरे प्रदेश की और रामपुर की लूट का पैसा लगा हुआ है। ये लूट के पैसे से खड़ी हुई यूनिवर्सिटी है, इसलिए जनहित में, न्याय हित में, गरीबों के हित में हमने इस यूनिवर्सिटी का अधिग्रहण करने के लिए और कॉपी हमने माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को भेजी है और डीएम साहब को भी कॉपी करी है। तो हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द सरकार इसका अधिग्रहण करे और अधिग्रहण करके इसे सरकारी यूनिवर्सिटी घोषित करे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से इसे घोषित करना चाहिए, सरकारी यूनिवर्सिटी घोषित करना चाहिए। डीएम साहब ने अपने एजेंडे में शामिल किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिया तो तत्काल प्रभाव से ये ज्ञापन भेज दिया जाएगा।